नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने फेसबुक पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, लेकिन उनमें से एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शशि थरूर की उस तस्वीर के मजेदार मीम्स सामने आ रहे हैं। इस फोटो में थरूर केरला में एक मंदिर में नारियल फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में ऐसा दिख रहा है जैसे वो बेहद ताकत के साथ नारियल को पटक रहे हैं। ये फोटो 21 अगस्त की है, लेकिन बहुत खासा ट्रेंड में बनी हुई है। थरूर के इस फोटो के ट्विटर पर आते ही यूजर्स ने इस पर मीम्स बनाने शुरू कर दिए। किसी ने उन्हें टोक्यो ओलंपिक पहुंचा दिया, तो कोई उन्हें सीधे लीड्स टेस्ट मैच में ग्राउंड पर ले गया। खुद थरूर भी इस पर हैरान रह गए हैं। खुद थरूर ने भी अपने मीम्स को लेकर मज़ेदार रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्विटर पर वायरल हो रहे अपने कुछ फनी मीम्स को फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है। मीम्स में शशि थरूर कहीं क्रिकेट के मैदान में नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ओलंपिक खेलों में। किसी मीम्स में वो केतली से छाय छानते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किसी में भरतनाट्यम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक में तो थरूर WWE रिंग के अंदर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई मीम्स को खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शेयर किया है, जिस पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। थरूर ने मीम्स को लेकर कहा है कि ये बेहद मजाकिया होते हैं, मुझे ये बेहद पसंद है। उन्होंने जो फोटो शेयर की हैं, उनमें से एक में रिंग के अंदर है। शशि थरूर ने अपने मीम्स को शेयर करते हुए लिखा है, इनमें से कई मीम्स नारियल फोड़ते हुए मेरी फोटो के हैं। मुझे नहीं पता कि कौन उनके सपने देखता है, लेकिन वो अक्सर मजाकिया होते हैं। ये मेरे कुछ मीम्स पसंदीदा हैं। एक मीम में थरूर झील किनारे स्टैचू के ऊपर खड़े हैं, उनके हाथ में नारियल है और वो पानी की ओर उसे फेंकते हुए दिख रहे हैं। यूजर ने उस फोटो को पोस्ट करते हुए स्टैचू ऑफ डिक्शनरी लिखकर थरूर की फोटो लगाई है। आपको उनकी कौन सी मीम ज्यादा पसंद आई है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।